पूरा हंगाला रहे हैं छोरे देख। ये देखो भाई अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोकरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। भाई देखो ध्यान से देखो यो खागड़ है नहर में फंस रहा है कम से कम 20 से 25 फुट गहरी नहर है और भाई मरना है तड़के गए 8 बजे के तो ये लाग रहे हैं और सीम कर है। और देखिए इन भैया की ये है गोरक्षक इन कह रहे भाई गोरक्षक कोई गोरक्षक लोग सवाल उठाओ ना तो ये देख लो भाई जान जो किमत डाल गए इस खागड़ ने बाहर काटने लाग रहे हैं। भाई इस खागड़े के बारे में बताना चाहूंगा भाई यो दूण मारा है कोटबर का भीतर भाई साहब राम राम जय राम जी। इतना 5-6 दिन हो गए क्यों रहा है 5-6 दिन का भीतर है और आज मतलब सुबह 8 बजे से सूचना मिली थी भैया ने तो वे 8 बजे का प्रयास करने लग रहे निकालने का लेकिन तक मतलब की अपना कामयाबी हासिल नहीं हुई। हाँ जी बात बनी नहीं इसमें कहीं ना कहीं मतलब की अपना मैं नहर विभाग की कमी है कि भाई जगह नहीं छोड़ा की कहीं भी निकलने के लिए तो बाहर लकड़न का राह चाहिए। आप देख सकते कम से कम 20 से 25 फुट की कराई है वो तो सूखी है ये हाल है सोचो पानी होता तो क्या हाल होता। जी बिल्कुल एक बार इन तो भाई भाई ने कसूती बात कही है तड़के के लाग रहे हैं 5-6 दिन से यो खागड़ इस नहर में फंस रहा है खाना पीना इधर सानी सुनी है मैं कह रहा कुछ नहीं खा रहा कौन खांदा भाई हो कुछ नहीं खा रहा उरा ना जा दोस्ते कुछ नहीं खा रहा आगे आ जाओ थोड़ा आगे कौन सा काम का भी तू डाणा का भाई डाणा यो 88 दोरे डाणा है बड़ा डाणा भाई बड़ा डाणा और 5-6 दिन का कुछ नहीं खा रहा यो और भूखा तसाया इस समय है लकड़न का कोई राह नहीं कोई रास्ता कोई भाई तो किसको फोन करा किस किस को बता रिच पर मामला सारा प्रशासन दोरे फोन कर लिया भाई प्रशासन आ गया था 112 दोरे कर लिया था वे आ गए थे भाई फायर ब्रिगेड वाले दोरे कर रहे थे वे आ गए थे। अच्छा लेकिन भाई ये लकड़न नहीं ला रहे हो आवा दोनों लेके ये माम गांव के भाई 15-16 फालतू के सब भाई गांव के सब इनका फोन आया था भाई के भाई एक नुनू है मंगाया की रक्षा करेगा भाई रात को आंडा हां तो इस खाकड़ काटना है काटना भाई सवेरे 8 बजे आए थे जब के लाग रहे हैं भाई इसने हमारी दून बंद रही भाई सवेरे की सवेरे के लाग रहे और हां भाई तो के पोजीशन लागा भाई के तरीका अपनाया है इसको बाहर काटने का देखो भाई ये भाई गुला है यो ये गोलिया भाई है यो जो ऊपर है ये बार दिखाइए भाई यो दिखाया इसने यो बुलाया है भाई यो जो शाम ही लाग रहा है नाम इसका गोलिया गोलिया पीरन था भाई यो यो कौन रहा है भाई सारे तो यही सुनने आई थी ट्रेनिंग यो बुलाया है भाई। अच्छा अच्छा यो के मैं तरीका बाड़ा गाइस बार काटना तो होगा जाया भाई तो बार काटना पड़ेगा काटेंगे भाई सवेर के दुखी हो रहे हैं थोड़ी देर खातर थक तो लिया यो तो काटना ही पड़ेगा। एसएस जी आपके वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं भाई अपना नहर में कमाना समझाओ नहर विभाग को भाई अपना मैं सूद होनी चाहिए कभी कितने कितना रात में निकलेगा काम तो नहर में कमाला था इसमें जी आपको बताया जी दिखाओ भाई देखो किसी कोशिश ऐसे भाई कितना भी नहीं मिलेंगे भाई जो नहर में कमाला का काम है भाई और नहर में कमाला कोई आगे नहीं आ रहा बिल्कुल देखो मेरी बात सुनो मरने का काम हुआ है बिल्कुल जान को जोखिम में डाल गए काम करने लग रहे हैं ध्यान तो देख लो जान जोखिम में डाल गए काम करने लग रहे हैं ये देख लो बस साले का आगे जाना है आगे आ जाओ भाई चलो आगे चल रहा है दोनों चला वो कर लो सब रोड क्रॉस करके दूसरी साइड आ गए हां भाई देख लो और भाई वो भाज गया पुल क्रॉस कर कर रोड के बीच पुल के नीचे का आगे नून चला गया कोट पर के लाग रहे भाई साहब नमस्ते जी अभी आए कोट भाई किसने सूचना दी इन्होंने दी थी उन्होंने तो भाई ये देख लो माहौल पूरा गर्म है और भाई कति जीत आन ला रहे हैं और भाइयों काबू में नहीं आ रहा 5 से 6 दिन का तो यो भीतर है हमें हाल फिलहाल में रिचपुरा गांव में रिचपुरा गांव है भैया रिचपुरा गांव है आशी का सारा गांव है सार डिस्ट्रिक्ट का गांव है रिचपुरा आ जाओ भाई बंद कर ले पता आज जो इस खागड़ ने बाहर काटने का जो अभियान चल रहा है बचाओ अभियान कैसे कहा इसने क्योंकि कितने दिन थे अंकल जी इसके अंदर है ये लगभग एक हफ्ता से अंदर है अंदर है हाँ। आपने कब एक हफ्ते से दबेरा है एक हफ्ते से पता है रोज प्रयास किया जावे इसके लिए बाहर नहीं निकल रहा बाहर नहीं निकल रहा तो आज सवेरे मैंने फोन कराया सवेरे 101 पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी ठीक है तो 112 नंबर आई फायर ब्रिगेड की गाड़ी और रिचपुरा पुल पे खड़ी है फिलहाल खड़े हैं उड़ा हाँ खड़े हैं और सवेरे से ही हमें चाय पी के निकले थे जब से लाग ही रहा जी 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 पूरी कोशिश है इसको बाहर काटने की कोई घाट कोई कुछ भी नहीं है इसमें बाहर काटने घाट कोई नहीं है कोई तो कहीं नहीं छोड़ रखा क्या कहना चाहोगे इसको नहर विभाग मैं ये नहर विभाग को ये कहना चाहूंगा कि कहीं भी कोई तो घाट होना ही चाहिए इस तरह की देखो कभी कुछ एक बार हमारी भैंस गिर गई थी यहाँ भैंस गिरी उसको बड़ी मुश्किल से लोगों ने लाग करके वो भैंस थी अब यो खगड़ तो
कहा रिचपुरा साइड में लेके जाया गया, यही रात को भी यही रहता है। छानी वानी कुछ खाई है इसने? छानी वानी तो थोड़ा बहुत दे रहे हैं वो अनिल सैनी नाम है, ठीक है। लगभग 15 से 20 साल से गो सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ मतलब कि अपना मैं जिसलिए मतलब गर्भी छोटा रखा है। और श्री राम विकलांग गौशाला है सिसाईपुर संकट मोचन स्कूल प्लाट हाउस के साथ। वापस आ गया अलग है, देखियो रे वापस आ गया भाई। यो आलिया देख लो, घाट नहीं है, कदे नून जा है कदे नून जा है। ये गांव वाले लाए हैं इन्हें घेर गोट के, ये देख लो भाई, ये देख लो वापस आ लिया। और भाई कति खून पसीना एक हो रहा छोरेगा, खून पसीना गण्या लागली चोट गण्या गए, ये देख लो भाई, देख लो भाई लगातार इसके अपन वीडियो दिखाते रहेंगे। आप इसने ध्यान तो देख लो, मामला बहुत गंभीर है यो। अगर सोचा जावे एक गऊ का जाया जिसना गऊ माता कहे हैं उसका गऊ का जाया जो फंस रहा है, कोई इसकी देख रेख नहीं है। गांव वाले बेचारे परेशान हो रहे हैं, प्रशासन के दो बंदे आ रहे हैं, एक बनून चले जा एक बनून आए, बात सभी और भी कमा के कर रहे हैं। और अगर हमारा काम थोड़ी सही हो इसको निकालना, हम तो पुलिस वाले हैं, कोई तो मर्डर हो जाए कोई और हो तो मगाजी प्रशासन नहीं करेगा और कौन करेगा? कोई तो आओ, कोई आओ बिल्कुल है। तुम किसी ने बुला लो भाई, थारी जिम्मेवारी तो बड़ा है, किसी को तो बुलाओ जो इसने कर दे भाई इस काम में। मेरे को उन्होंने कहा कि आप जी सदर थाना SHO को मैंने फोन कराया, सदर थाना वाले ने बोले मैं शेखपुरा चौकी को करता हूँ, तो अभी तो यहाँ कोई मतलब नहीं। तो भाई लगातार प्रयास जारी है, बार यो लकड़ नहीं रहा, घूम पर कई पुल का नीचा आ जा है, इन अपनी पूरी कोशिशें कर ली। मैं कुंदर तो सरपंच प्रतिनिधि हूँ। वाह जी प्रधान जी, फिर तो और हंगा लाना पड़ेगा, इसका काटना काटना पड़ेगा। देखो यो तो काटना तो जी लाग तो रहे ही कोशिश में लाग रही काटने की, ठीक है कोशिश तो ये भी काट के जा। मैं चलो ई भी इस वीडियो ने कर दो शेयर भाई, लगातार आप आड़े रहोगे इसने दिखाओगे आप लोगों ने। और कोशिश है भाई ना भैया की भी अपनी भी वो बाहर लिखना है, बाहर लिखना है। राम राम सारे भैया, राम राम। अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोकरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। देखो ध्यान से देखो, यो खागड़ है नहर में फंस रहा, कम से कम 20 से 25 फुट की गहरी नहर है। और भाई मरना है तड़के गए 8 बजे के, तो ये लाग रहे हैं अरे हसीम कर है। और देखिए इन भैया की ये हैं गोरक्षक, इन कह रहे भाई गोरक्षक, कोई गोरक्षक पर लोग सवाल ठावना तो ये देख लो भाई, जान जो किमत डाल गए इस खागड़ ने बाहर काटने की लाग रहे हैं। और भाई इस खागड़े के बारे में बताना चाहूंगा भाई, यो दून मारा है कोटबर का भीतर भाई साहब। राम राम जय राम जी। इतना 5-6 दिन हो गए जी, 5-6 दिन का भीतर है। और आज मतलब सुबह 8 बजे से सूचना मिली थी भैया ने, तो वे 8 बजे का प्रयास करने लग रहे निकालने का, लेकिन अब तक मतलब कि अपना कामयाबी हासिल नहीं हुई। हाँ जी बात बनी नहीं, इसमें कहीं ना कहीं मतलब कि अपना मैं नहर विभाग की कमी है कि भाई जगह नहीं छोड़ा कि कहीं भी निकलने के लिए, तो बाहर लकड़न का राह चाहिए। ये आप देख सकते कम से कम 20 से 25 फुट की कराई है, वो सूखी है, ये हाल है। सोचो पानी होता तो क्या हाल होता जी, बिल्कुल। तो भाई भाई ने कसूती बात कही है, तड़के के लाग रहे हैं 5-6 दिन से यो खागड़ इस नहर में फंस रहा है। खाना पीना ही दसानी सुनी है, कुछ नहीं खा रहा, कुछ नहीं खा रहा उराना जा दोस्ते, कुछ नहीं खा रहा। आगे आ जाओ थोड़ा आगे, कौन से काम का भी तू? मैं डाना का भाई, डाना यो 88 दौरे डाना है, बड़ा डाना। 5-6 दिन का कुछ नहीं खा रहा यो, और भूखा तसाया इस समय है, लकड़ने का कोई राह नहीं, कोई रास्ता कौन भाई। तो किसको फोन करा, किस किस को बताया? मामला सारा प्रशासन द्वारा फोन कर लिया भाई, प्रशासन आ गया था, 112 दौरे कर रहे थे, वे आ गए थे भाई, फायर ब्रिगेड वाले दौरे कर रहे थे, वे आ गए थे। अच्छा लेकिन भाई ये लिकड़न नहीं लाग रहे हो, आवाज दोनों लेके ये माम गांव के भाई 15-16 फालतू पैसे हो भाई गांव के, सभी दिन का फोन आया था भाई ये भाई एक नुनू है मंगाया की रक्षा करा भाई रात को अंडा। हाँ तो इस खाकड़ काटना है, काटना भाई सवेरे 8 बजे आए थे जब के लाग रहे हैं भाई, उसने हमारी दून बैंड रही भाई सवेरे की, सवेरे के लाग रहे हो। हाँ भाई तो के पोजीशन लाग गया भाई, के तरीका अपनाया है इसको बार काटने का? देखो भाई ये भाई गुला है, यो
गोलिया भाई है यो जो ऊपर है ये बार दिखाइए भाई, यो दिखाया इसने, यो बुलाया है भाई, यो जो शामी लाग रहा है, क्या नाम इसका? गोलिया गोलिया पीरन था भाई, यो यो कुंडरिया करा भाई, सारे तो यही सुनने में आई थी, ट्रेनिंग यो बुलाया है भाई। अच्छा अच्छा, यो के मैं तरीका बाड़ेगा इस बार काटना, वो बजाया भाई, दोबारा काटना पड़ेगा, देखो किसी कोशिश ऐसे भाई कितने भी नहीं मिलेंगे भाई, जो नहर महकमाला का काम है भाई, और नहर महकमाला को आगे नहीं आ रहा, बिल्कुल देखो मेरी बात सुनो, उम्र का काम हुआ जी, बिल्कुल जैन को जो किम्मत डाल गए यो काम करने लग रहे हैं, ध्यान तो देख लो, जैन जो किम्मत डाल गए यो काम करने लग रहे हैं, ये देख लो, दस साल आगे जाना है, आगे जाओ भाई, चलो रोड क्रॉस करके दूसरी साइड आ गए, हाँ भाई देख लो, अरे भाई वो भाज गया, पुल क्रॉस करके रोड के बीच पुल के नीचे आ गया, नून चला गया, कोर्ट पर के लाग रहे भाई साहब, नमस्ते जी, कोर्ट भाई किसने सूचना दी? हमें हाल फिलहाल में रिचपुरा गांव में, रिचपुरा गांव है भाई, रिचपुरा गांव है, आशी का सारा गांव है, सार डिस्ट्रिक्ट का गांव है रिचपुरा, आ जाओ भाई।